नमस्कार दोस्तों, भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में नंबर श्रेणी, और आज हम देखेंगे इसी का अगला पार्ट, जहां पर अपन ने कई प्रकार की श्रेणियां देखी और कई तरीके के नियम उसमें देखे हैं। और अब हम देखेंगे श्रेणी का गलत पद ज्ञात करना। तो अगली जो श्रेणी है हमारी वो है गलत पद, श्रेणी का गलत पद ज्ञात करना। तो श्रेणी का गलत पद ज्ञात करने के लिए पिछली श्रेणी जितने प्रकार के नियम हमने पढ़े, पिछली श्रेणी में जितने प्रकार के नियम हमने पढ़े, उन्हीं नियमों के द्वारा यहां पर एक श्रेणी तैयार की जाती है और उस श्रेणी में एक पद को गलत लिखा जाता है, और उसी पद को हमें याद करना है और वही हमारा आंसर के रूप में होता है। तो चलो हम देखते हैं श्रेणी में गलत पद याद करना, तो किस तरीके से गलत पद अपन याद करते हैं। तो देखिए 8, 14, 26, 48, 98, 194, 396। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारी एक श्रेणी बनी हुई है, और ये श्रेणी हमारी किसी भी एक नियम से, जो कि संख्या श्रेणी की किसी भी एक नियम से चलती हुई दिखाई देती है। तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार का नियम इसमें लागू किया गया है, तो अपन को वही ढूंढना। देखो पहला पद 8, दूसरा पद है हमारा 14, तो 8 से 14 का 14 से 26, अब 26 से 48, तो यहां हमें ये देखना है कि श्रेणी का पहला पद, अगला पद, फिर अगला पद कितने स्टेप में बढ़ रहे, तो उसी से हमें अनुमान लगेगा कि श्रेणी अंतर वाली है या श्रेणी गुणा वाली है या श्रेणी वर्ग वाली है। तो यहां पर देखिए, यदि अपन 8 को अपन 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 16, और यहां पर है अपना 14, तो यदि 2 से गुणा करके अपन 2 घटाए तो अपने पास 14 प्राप्त होते। तो इसका मतलब ये गुणा के साथ अंतर, तो यहाँ देखो 2 से गुणा, 14 दूना 28 और -2 26, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, और 2 से गुणा होने के बाद 2 ही इसमें से घटाया जा रहा है। तो यहाँ अगला पद 26 × 2 करेंगे, -2 करेंगे तो 26 दूना 52 और -2 करेंगे तो यहाँ आएगा अगला पद 50। तो अर्थात यहाँ 48 की जगह क्या होना चाहिए था दोस्तों, 50। तो हमें इस बात का मालूम चला कि 48 पद हमारा गलत है, लेकिन देखिए अगला क्रम अपन देखते, यदि यहाँ 50 होगा तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और -2 करेंगे, तो देखो 50 × 100 − 2 = 98 अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो पद है ये 48 गलत है, और यही आंसर के रूप में प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 380, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। तो इस प्रकार देखिए, यहां पर भी इसमें अपन को गलत पद ज्ञात करना है। यहां पर हमारे पास कोई रिक्त पद नहीं होता है, श्रेणी पूरी बनी हुई होती है और किसी भी एक नियम से चलती है, अंतर के नियम से, गुणा के नियम से, भाग के नियम से, वर्ग के नियम से, कोई भी श्रेणी अपनी हो सकती है। तो हमें यह देखना है कि पहले पद से दूसरा पद किस श्रेणी के रूप में हो सकता है। तो यहाँ देखो 380 से अपने पास में 188, यानी कि पहले पद से अगले वाला जो पद बहुत ही कम हो रहा है, तो कम होने की स्थिति हमें किस अवस्था में प्राप्त हो सकती है, कौन सी क्रिया में प्राप्त हो सकती है। तो अपन जानते हैं जो कम मान आता है हमारा वो किस में आता है, भाग में आता है। तो यहाँ पर देखिए अपन को ये देखना है कि 380 और 188 अपन को प्राप्त करना है। तो यहाँ अपन यदि करके देखें कि 380 में यदि अपन 2 का भाग दें, तो देखिए 2 एकम 2,
और यहाँ पर हो गया 18, 9 दूनी 18, 190 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ दोस्तों कितना है, 188। अब यदि इसमें से दो अपन कम कर दे तो कितना आ जाए, 188 आ जाए। तो यहाँ पर हमने दो का भाग दिया और माइनस दो कर दिया, तो आ गया हमारे पास में कितना, 188। अब आप देखिए अगली अवस्था, तो 188 में अपन दो का भाग देते हैं, तो यहाँ 188 में अपन दो का भाग दे तो दोस्तों कितना आएगा, 9 दूनी 18 और ये 4 दूनी 8, कितना आता है, 94, 94। जबकि यहाँ अगला पद क्या है, 92, यानी कि इसमें भी क्या करते हैं, हमने माइनस दो कर दिया, तो यहाँ भी माइनस दो हो रहा है। अब देखिए यहाँ अगला पद हमारे पास में 92, तो यहाँ पर यदि अपन 92 में दो का भाग देते हैं तो यहाँ आता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, 46, और इसमें से दो करेंगे कम तो कितना आएगा अपने पास में, 92। जबकि यहाँ पर क्या पद है हमारा, 48 है, यहाँ आना चाहिए था कितना, 47 आना चाहिए था। अब आप देखिए 47 आगे क्रिया करके देंगे, यदि 47 में हम भाग दे किसका, दो का, तो कितना आएगा, 22, और 22 में से दो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, जो कि अगला पद हमारा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा गलत पद हो जाएगा कितना दोस्तों, 47 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ 13 21 32 47 63 और 83। तो इसमें अपना अगला गलत पद कौन सा, कि यहाँ पर इन श्रेणियों में किसी भी नियम की एक श्रेणी हो सकती है और अपन को यही सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार की श्रेणी प्रयोग में ली गई है। तो देखिए यहाँ हम देखो 8 और 5 13, यहाँ का अंतर जो है, अंतर में आ है श्रेणी, तो 8 प्लस 5 13, और यहाँ देखिए 13 और 21 इसमें अंतर कितना हो गया, 13 और 8 कितना हो गया, 21। अब यहाँ अपन देखे साहब यहाँ पर कितना हो जाता है, ये देखिए 21 और 32 का अंतर हो गया प्लस कितना, 11 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ हमारा जो अंतर का क्रम है 5 से 8, 8 से 11, यानी कि प्लस 3 के रूप में चल रहा है, तो 5 से 8, 8 से 11। अब अगला जो चलना चाहिए कितना होगा, 11 प्लस 3 अपन 14 करेंगे। तो यहाँ देखो यदि अपन 32 में 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर अपने पास आना चाहिए था कितना, 46। जबकि दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 47 है, इसका मतलब नियम के मुताबिक 47 यहाँ पर गलत है। यहाँ अपन देखेंगे 14 के बाद में प्लस होगा 17, तो यदि 17 हम 46 में जोड़ देंगे, 7 6 13 और 4 और 1 5 और 1 6, ये 63 अपन को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा गलत पद हो जाएगा कौन सा, 46। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15, 24, 35, 49, 63 और 80। तो इसमें अपना गलत पद कौन सा हो? अब आप देखें हमें यही बात का ध्यान रखना है कि श्रेणी किस तरीके की है और किस नियम के मुताबिक श्रेणी चल रही है। तो यहाँ देखिए अपन को यहाँ पर सारी गणितीय क्रियाएं अपन को विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी दोस्तों। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहला पद 15, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सिस्टम अपन को दिख रहा है यहाँ पर, कि यदि यहाँ अपन के पास में 4 का स्क्वायर हमारे पास करें माइनस 1 करें, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 15 हो गया। इधर अपन 5 का स्क्वायर करें माइनस 1 करें तो कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। ये अपन देख रहे हैं क्योंकि एक वर्ग श्रेणी है और वर्ग में से अपन को माइनस 1 किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है और 6 माइनस 1 करने पर क्या आ गया, 35 अपन को प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से यहाँ हमारा होना चाहिए 7 का वर्ग माइनस 1, तो यहाँ पर अपने पास
48 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। अब यहाँ देखो, ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि 64 माइनस 1 63 है, तो अगला पद भी सही है हमारा, ये भी सही है। यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास में 49 जो है अपना गलत पद के रूप में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127। तो देखिए, अब यहां पर अपन को देखना 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127। तो यहां किस तरीके की श्रेणी चल रही है, ये अपन को ध्यान रखना है। 1 से 3 बटा 3 से 7, 7 से 15, 15 से 27, 63 और 127, यानी कि इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा रूप में बढ़ रहा है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि यदि इसको 2 से गुणा कर दे, 2 एकम 2 प्लस 1 करे तो 3 हो जाए। तो यहाँ 2 से गुणा होकर 3 प्लस 1 किया गया। अब यहाँ देखो, 3 दूना 6 और प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूना 30 और माइनस 1, तो 15 दूना 30 माइनस 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 29। अगला पद आपने देखिए, 15 दूना 30 और प्लस 1 यहाँ होना चाहिए अपना 31, सॉरी। और अब आप देखो, 31 × 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 31 × 62 = 63। तो यहाँ पर ये जो अपना पद है 27, तो यहाँ पर गलत हो गया 27। तो यहाँ पर अपनी एक गुणोत्तर श्रेणी और गुणा के साथ अंतर वाली श्रेणी यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें (2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42) तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अपनी एक श्रेणी है और ये श्रेणी देखिए एकांतर रूप में चल रही है। तो एकांतर श्रेणी अपन ने पिछली श्रेणी के रूप में पढ़ी थी, पहली जो श्रेणी पढ़ी थी उनमें सभी श्रेणियों के रूप देखे थे। तो आपने यदि उस श्रेणी को नहीं पढ़ा है, यानी कि वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसको देखें जिसमें नंबर सिस्टम की सभी प्रकार की श्रेणियां अपन ने देखी है उसमें। तो यहाँ देखिए, इसका इसका अंतर अपना और इसका अंतर, तो एक अंतर श्रेणी का रूप है। तो इसमें 2 श्रेणी चल रही है, तो जिसमें अपन देखो किसकी जाँच करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 इसमें +10 है, इसमें भी +10 है। तो यहाँ देखो, प्रारंभ से यदि अपन को मालूम नहीं चल पाए तो अपन को ये देख लेना है अगली पोजीशन में। तो यहाँ देखो, +10 इसमें +10 इसमें, यानी कि 10-10 के रूप में श्रेणी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें अपन +10 करेंगे तो 2 और 10 यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12, और 12 + 10 करेंगे तो ये आ गया अपना 22। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, ये जो दूसरी श्रेणी हमारी, ये 8 से 13, तो 8 + 5 = 13, और ये देखो 13 + 5 = 18, और 18 + 5 = 23 के रूप में चल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो श्रेणी है, इसमें हमारे पास में 9 अपना क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में, यानी कि गलत पद अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और 16, 22, 30, 45, 52 और 76। तो अब आप देखिए, यहाँ अपने पास में श्रेणी 16 से 22 है, 22 से 30 है और 45 है। तो यानी कि श्रेणी का जो सिस्टम है वो एक फिक्स दायरे के रूप में चल रहा है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं 16 और 22, तो यानी कि +6 कर दें अपन तो 22 हो जाए, 22 + 8 अपना कितना हो जाए 30, यानी कि अंतर का सिस्टम श्रेणी में है।
तो अगला सिस्टम क्या होगा, देखो 6 से 8 हुआ, 2 बढ़ रहा है हमारे पास में, तो इससे अगला हो जाएगा 10। तो 10 अपन 30 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। और 40 में अपन यदि 12 जोड़े तो 40 और 12 52 प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार हमारा 40 जो है ये आंसर हो जाएगा और गलत पद के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड होता है तब तक के लिए जय हिंद।